जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि हम अपने प्रभु को कैसे पहचाने। संतों ने कहा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। यह संपूर्ण संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, इसमें भला बुरा अच्छा मंदा गुण दोष आदि तो चीज़ें हैं ही नहीं। रामायण में आया है, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखे ही देखई सो अभिवेक। तात्पर्य है कि गुण और दोष माया कृत हैं, भगवान में नहीं हैं। जो लोग माया से मोहित हैं उन्हीं की दृष्टि में ये दोनों भगवान में दिखते हैं। असली गुण है गुण और दोष दोनों को ही न देखना। गुण यह उभय न देख ही, इन दोनों को देखना अविवेक है। गीता जी में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं मैं भी उसी भाव से उनका भजन करता हूँ। अतः हम भले और बुरे दो रूपों को देखते हैं तो भगवान भी भले और बुरे दो रूपों से प्रकट हो जाते हैं। और हम भले बुरे को न देखकर भगवान को देखते हैं तो भगवान भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। एक संत थे, कोई उनसे कहता कि महाराज आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, तो वे कहते राम जी। कोई कहता कि आप बड़े ठग हैं, तो वे कहते राम जी। कोई कहता कि आप तो बड़े अच्छे हैं, तो वे कहते राम जी। कोई कहता कि आप तो बहुत बुरे हैं, तो वे कहते राम जी। तात्पर्य है कि सब कुछ राम जी ही हैं, फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। भावना ही करनी हो तो बढ़िया भावना करें, घटिया भावना क्यों करें। मन के लड्डू बनाए तो उसमें घी और चीनी कम क्यों डालें, इसमें कौन सा खर्च लगता है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया भावना करनी चाहिए। वह बढ़िया से बढ़िया भावना है वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। यह कोरी भावना ही नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसको स्वीकार करने में न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है और न अपने में कोई विशेष योग्यता लानी पड़ती है। फिर इसको मानने में क्या बाधा है। यह सरल से सरल और ऊंचा से ऊंचा साधन है। एक साधक ने प्रश्न किया, संसार में कोई दुराचारी दिखे तो उसको भगवत स्वरूप कैसे माने। उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए कि वे भी भगवान ही हैं, पर अभी कलयुग की लीला कर रहे हैं। अभी कलयुग है इसलिए वे युग के अनुसार लीला करते हैं। भगवान ने वराह रूप धारण किया तो वराह की तरह ही आचरण किया। वराह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष उनको वन गोचर मृग जंगली जानवर कहकर पुकारता है और भगवान उसको ग्राम सिंह कुत्ता कहकर पुकारते हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसा ही लीला करते हैं, वैसी ही लीला करते हैं। साधक ने प्रश्न किया, संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहते हैं और दुखों का घर भी कहते हैं। दुखालयम शाश्वतम, अगर यह परमात्मा का स्वरूप है तो दुखों का घर कैसे, और दुखों का घर है तो परमात्मा का स्वरूप कैसे। उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, ये दोनों बातें ठीक हैं। जो संसार से कुछ नहीं चाहता प्रत्युत दूसरों की सेवा करता है, उनको सुख देता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। और जो संसार से सुख लेना चाहता है उसके लिए संसार दुखों का घर है। सुख चाहने वाले को दुख मिलेगा ही, यह अकाट्य नियम है, यह अकाट्य नियम है। भक्त कुत्ते चांडाल आदि को प्रणाम नहीं करता, प्रत्युत उन रूपों में आए भगवान को प्रणाम करता है। जब भगवान राम भारद्वाज जी से मिलते हैं
तब भारद्वाज जी भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान भारद्वाज जी को प्रणाम करते हैं। भगवान राम तो क्षत्रिय होने से ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और भरद्वाज जी भक्त होने से भगवान को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करने से उनको अलौकिक विलक्षण आनंद मिलता है। इसी तरह संसार में अनेक रूपों में प्रकट हुए भगवान को प्रणाम करके आनंदित होना चाहिए। संसार में जो कुछ भी है वह सब संसार का ही शरीर है, वह सब भगवान का ही शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, सबके सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।